के फेमस फूड के बारे में। और इसमें फूड तो बहुत सारे हैं जो मुरादाबाद में फेमस है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक कैटेगरी यानी कि नॉन वेज कैटेगरी ले रहा हूँ, और वेज कैटेगरी के लिए मैं अगली कभी फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं नॉन वेज में बता रहा हूँ मुरादाबाद में क्या क्या फेमस है। सबसे पहले मैं नंबर वन पर जो रखूंगा मुरादाबाद की बिरयानी रखूंगा। मुरादाबाद की जो बिरयानी है बहुत टेस्टी होती है, और मुरादाबाद में कई जो है पॉपुलर नाम है जो कि ये बिरयानी बनाते हैं। इसमें मैं सबसे नंबर वन पर रखूंगा आलम बिरयानी, जो कि गल शहीद, मैं आपको एक एग्जैक्ट लोकल एरिया भी बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर उपलब्ध है। देखिए आलम बिरयानी की दो ब्रांचेस अवेलेबल है मुरादाबाद में। नंबर वन ब्रांच जो सबसे पुरानी है वो है सीधी सरा मंडी चौक से आप पास जाएंगे तो सीधी सरा में ये फर्स्ट जो इनकी शॉप है, और बेहतरीन बिरयानी बनाते हैं। आप जब मुरादाबाद आएँ तो ये बिरयानी ज़रूर टेस्ट करें। इनकी दूसरी ब्रांच जो है वो कंपनी बाग में है, कंपनी बाग के सामने है, और वहाँ पर भी आप ये इनकी बिरयानी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर उन्हीं के थोड़ा सा पास में आलम बिरयानी के पास में ही खलीफा बिरयानी के नाम से पॉपुलर है, और कहा जाता है कि यही सबसे पुराने बिरयानी बनाने वाले हैं मुरादाबाद में। लेकिन कुछ समय के लिए बीच में इन्होंने बंद कर दिया था, तो अभी ये इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया है, तो यह भी बिरयानी बना रहे हैं और बहुत टेस्टी बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में और भी रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा जो, और वो भी बहुत अच्छी अच्छी बिरयानी बनाते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको, अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप गुलशन करीम जा सकते हैं। गुलशन करीम की बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है। वहाँ पर आपको और भी डिशेज़ मिल जाएंगी, जैसे कि चिकन फ्राई, चिकन तशला, बटर चिकन, काली मिर्च, आप वहाँ पे वो भी ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ के खासतौर पर गुलशन करीम के कबाब यानी चिकन कबाब बहुत फेमस हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से गुलशन करीम की भी आपको बता दूँ कि दो ब्रांचेज हैं मुरादाबाद में। एक जो अंसार इंटर कॉलेज यानी प्रिंस रोड पर है वहाँ पर है फर्स्ट ब्रांच, और सेकंड ब्रांच यानी के नियर रोडवेज है, रोडवेज के पास में है, ठीक है। यहाँ आप जा सकते हैं और अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है, आप फैमिली को भी लेकर जा सकते हैं, फ्रेंड्स को भी लेकर जा सकते हैं आराम से, ठीक है। इसी तरीके से एक गुलशन शमिया रेस्टोरेंट भी है जो कि गुलशन करीम की तरह ही है, और लगभग सेम फैसिलिटी है। वहाँ पर आपको चिकन बिरयानी मिल जाएगी, चिकन तंदूरी मिल जाएगा, चिकन फ्राई मिल जाएगा, चिकन तशला मिल जाएगा, और बहुत सारी डिशेज हैं जो बहुत अच्छी हैं, और वहाँ पर भी आप टेस्ट ले सकते हैं और अच्छा टेस्ट आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एक बार आपको द आर्ट ऑफ बिरयानी, ये जो है ये MDA यानी कायट रोड पर उपलब्ध है, और अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी लग्जरी सा है। वहाँ आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन हांडी बिरयानी, और भी बहुत सारे ऑप्शन से आप वहाँ पर भी टेस्ट ले सकते हैं। और एक बिरयानी का नाम मैं लेना भूल गया हूँ, जिसमें कि राशिद बिरयानी के नाम से है, ये जामा मस्जिद मुरादाबाद जामा मस्जिद के पास में है, आप वहाँ भी जाकर ये बिरयानी खा सकते हैं और इन्जॉय कर ले सकते हैं बिरयानी का। तो ये तो हुई बिरयानी के बारे में बात। अब मैं आपको और भी फूड के बारे में बताता हूँ जो कि मुरादाबाद में काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जैसे कि चिकन फ्राई मुरादाबाद में आजकल बहुत फेमस हो रहा है। और इस नाम को अगर हम चिकन फ्राई का नाम लेंगे तो यहाँ सबसे पहले नाम आता है मारूफ चिकन का, पॉपुलर होता जा रहा है। यहाँ का चिकन फ्राई बहुत शानदार होता है, बहुत लजीज होता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इनकी सेकंड ब्रांच जो है ये प्रिंस रोड पर गलशही से आगे जाकर है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, और वो वहाँ फैमिली रेस्टोरेंट बना हुआ है, फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, फ्रेंड्स को भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें साबरी चिकन फ्राई भी बहुत पॉपुलर है, ये तहसील स्कूल के पास में। फ़िश फ्राई भी उपलब्ध है, और फ़िश फ्राई आप बोनलेस फ़िश फ्राई भी खा सकते हैं और टेस्ट ले सकते हैं। और भी सारे यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे कि चिकन तशला भी आप यहाँ से खा सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बताया चिकन फ्राई, आपको गुलशन करीम भी जा सकते हैं, शावा रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, और आटो बिरयानी में भी आपको मिल जाएगा। चिकन फ्राई मैक्सिमम मुरादाबाद में हर जगह मिल जाएगा, लगभग सभी जगह मिल जाएगा, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट का फ़र्क होता है, लेकिन आप देखेंगे तो टेस्ट लगभग अच्छा होता है, बेस्ट होता है। देखिए मुरादाबाद की एक पहचान और भी बन चुकी है, वो है हलीम बिरयानी। आजकल हलीम बिरयानी बहुत ज़्यादा मिलता है मुरादाबाद में, और काफ़ी टेस्टी होता है, और हेल्दी भी होता है, और ये ताकतवर भी होता है, एनर्जीफुल होता है। आप अगर मीट खाते हैं और गोश्त का स्वाद लेना चाहते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं नॉन वेज में, तो आप हलीम बिरयानी भी ट्राई कर सकते हैं। और हलीम बिरयानी के लिए आपको मैं कुछ जगहों के नाम बता देता हूँ जहाँ पर आपको अच्छा हलीम खाने को मिल सकता है।
हलीम बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन इसमें कुछ जगहों के नाम बताता हूँ मैं आपको। आप अगर मुरादाबाद में हैं तो आप बूढ़े का चौराहा, एक चौराहा है जो कि प्रिंस रोड के पास में है, अब वहाँ पर आपको हलीम मिल सकता है खाने में, हलीम बिरयानी, टेस्टी हलीम बिरयानी। एक असालतपुरे में पूरे भाई हलीम वाले हैं, एक आप उनका हलीम खा सकते हैं। एक करूले भी पीर के बाज़ार में हलीम बिरयानी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, लजीज होता है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूँ मुरादाबाद में नहारी भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। मुरादाबाद में 2-3 रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपको नहारी मिल सकती है और वो भी बहुत टेस्टी। इसका नाम मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, ये तहसील स्कूल के पास है। और बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर फूड आपको चाहिए मुरादाबाद में तो आप तहसील स्कूल आ जाएं, यहाँ हर तरीके का फूड मिल जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। यहाँ नहारी मिल जाएगी, यहाँ चिकन फ्राई मिल जाएगा, यहाँ बटर चिकन मिल जाएगा, यहाँ हर तरीके की फूड मिल जाएगा आपको। बाकी आजकल मुरादाबाद में चिकन के कबाब भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, शामी कबाब भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, कीमा कबाब भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप मुरादाबाद में आएँ, ये भी ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं 2-3 नाम बताऊंगा जहां अच्छे आपको कबाब मिल सकते हैं। तो जैसे खाने को आपको एक अंसार इंटर कॉलेज के पास में है जहां पर आपको चिकन के कबाब भी मिल सकते हैं, बड़े के कबाब भी मिल सकते हैं। दूसरा आपका बन्ने आका यानी कमल सिनेमा के पास में एक बन्ने आके के नाम से है रेस्टोरेंट, आप वहाँ खा सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं चिकन का और चिकन कबाब का और बड़े के। इसके अलावा गुलशन करीम भी कबाब के मामले में पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी अच्छे कबाब होते हैं गुलशन करीम के, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो रही फूड के बारे में, मुरादाबाद के फूड के बारे में। और अभी मैं नेक्स्ट आपको मुरादाबाद के बीच खाने के बारे में भी बताऊंगा, लोकेशंस बताऊंगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के नाम सजेस्ट करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।